लोहा व्यापारी पर फायरिंग के आरोप में एक गिरफ्तार। जी हाँ, राजगढ़ अलवर सड़क मार्ग के मध्य स्थित सैनी पेट्रोल पंप के समीप लोहा व्यापारी पर फायरिंग करने के मामले में खुलासा करते हुए एक जने को गिरफ्तार किया गया। एएसपी ग्रामीण डॉक्टर प्रियंका यदुवंशी ने बताया कि 24 अक्टूबर को राजगढ़ कस्बा निवासी लोहा व्यापारी हरिशंकर गुप्ता मूनपुर लोहा गोदाम से राजगढ़ आ रहे थे, जिनको अज्ञात बदमाशों ने कार से पीछा कर टायर में गोली मारकर गाड़ी आगे लगवा कर रुकवाई। इस पर पुलिस ने मामला दर्ज कर त्वरित कार्रवाई करते हुए टीम गठित कर दी। गठित टीम ने कार्रवाई करते हुए तकनीकी सहायता से घटना से खुलासा करते हुए बदमाशों को अंजाम देने वाले मुख्य सरगना दौसा जिले के महुआ थाने का हिस्ट्री सीटर भगवान सहाय उर्फ काड़ू पुत्र दिलीप सिंह मीणा को गिरफ्तार किया गया। आरोपी के खिलाफ विभिन्न थानों में कुल 26 मामले दर्ज हैं। पुलिस अन्य आरोपियों की तलाश में जुटी है। आप लोगों को विदित है कि अभी 24 तारीख को जो लोहा व्यापारी हैं उनका अपने गोदाम से घर जाते वक्त उनके साथ लूट भी हुई थी और उस पर फायरिंग की घटना भी हुई थी, तो उसी के अंदर पुलिस ने कार्रवाई को पुलिस की विभिन्न टीमों ने कार्रवाई करते रहे। उसका जो मुख्य आरोपी है भगवान चाहे उप काड़ू, उसको गिरफ्तार किया है। ये महुआ थाने का हिस्ट्री शीटर है और अब तक इसके लिए 26 मुकदमे जो हैं वो पंजीबद्ध किए जा चुके हैं, जिनमें से अधिकांश मुकदमे जो हैं वो लूट चोरी और इन्हीं धाराओं के हैं। इसके अंदर जो पुलिस ने टीमें बनाई थी उनके अंदर से उसका विवरण हम आपको बाद में दे देंगे, पर विशेष तौर पे महुआ एसएचओ राजगढ़, इसके अलावा संदीप जो साइबर के अंदर हैं और कोठी नारायणपुर के जो पुलिस स्टाफ है रमेश जी और उनका महती भूमिका रही है, जिन्होंने की इसको जैसे पकड़ने में मुझे मदद की है। अभी तो पूछताछ जारी है और उसके हिसाब से फिर जो भी चीज़ सामने आएगी उसके अंदर से उसी के हिसाब से कार्रवाई की जाएगी।